सारे लड़के इकट्ठे बैठे हो, क्या बात करो लोगों से, ये है ये अच्छा लगा। आर यू गाइस डेटिंग? आपने तो बहुत निराशा से ना किया है। उनका तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ सही कर रहा है। लाइक हाउ डू यू नो ईच अदर? कलीग्स? हाँ देखो उनको वर्ड पता था इंग्लिश। पुलिस आप जाते हैं से? हमारे मैं 7 साल नौकरी करी, कोई लड़की साथ मिल गया हमारे पुणे में होता है। ये देखो इनके घर कभी नहीं जाएगा कोई, उसके टी शर्ट पे लिखा है फ्री हग्स। ये खुद मांगता फिर रहा समाज से, उसके टी शर्ट पे लिखा है फ्री हग्स, समझ रहे हो? इसे कोई भिखारी भी दे रहा हो, कह रहा भाई साहब पहले आप हग ले लो एक, पैसा तो लेते रहेंगे, पैसा तो चलता रहेगा। कैसे आइडिया कोई टी शर्ट पहनने का फ्री हग्स? आप स्पोक पर्सन हैं इनके? आप अमित शाह हैं? हद्दी है यार। अरे पीछे कपल बैठा, ये अच्छा कपल दिख रहा है पीछे, आपके पीछे भी कपल बैठा। ओ आप मैरिड हो? आप दोनों मैरिड हो गया? क्यों नहीं आंसर नहीं आ रहे हैं? क्या आंसर निकल रहे हैं? अच्छा डेट कर रहे हो? यह नहीं, चलो ठीक है। किसी और को जीवन में? नहीं। कोलीग्स? तो इस शो का नाम कोलीग्स रख देता ना मैं, जब कोलीग्स ही आने थे सारे हमारे साथ मिलके। कोलीग्स आप दोनों भी कोलीग्स? और तुम पुणे में पता नहीं क्या चल रहा है। कितने लोग मैरिड हैं यहाँ पे? मैरिड? अरे ये है वो प्यारा कपल देखो। कितने टाइम हो गया सर शादी को? मैम होता है अलग अलग हो जाता है कई बार, नहीं होता है मैम कभी कभार हो जाता है। ये आप पीछे, आप मैम, मैम आप मैरिड हैं? आपका किस साथ आए हैं आप? भाई गॉड, आप खुली बात बोल देना बस, मैंने फोन मैंने छोड़ देना माइक भाई साहब। और कौन कौन है मैरिड? कोई और मैरिड? अरे ये ब्यूटीफुल कपल, ये भी लव मैरिज लग रही, शक्ल से लग रहा है। हाँ हाँ वो लड़की की नहीं लग रहा, लड़की से लग रहा है। मैम क्या अच्छा लगा आपको इनके पैकेज के अलावा? दीज गाइज ना बैड, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। बट कैसे मिले आप दोनों एक दूसरे को? तुम्हारी कसम, 2-3 बेरोजगार आते ना आज कुली बना देते हैं, मुझे एम्प्लॉयमेंट यही हो जाती है आज। तू मेरा कुलीग बनेगा? यस। विल यू बी कुलीग फॉर मी फॉर लाइफ टाइम? यस। काफी सही। अब पीछे पीछे वाली टीम जितनी भी है, ये दो लड़कियां, हाय मैम, किसके साथ किधर किधर? हमारी मतलब आपने प्रजा है, आपकी प्रजा है, घोड़े पे आए ऐसे, ये प्रजा मेरी है बाहुबली। लाइक कहाँ से स्टार्ट हुआ ये? अच्छा आप पर ये अलग अलग क्यों बैठे हैं, मतलब टुकड़ियों में क्यों बैठी है ये सेना, टुकड़ियों में क्यों लड़ने जा रही है? काफी सही है। बट किस कंपनी में आप, किस कंपनी में? सैलरी आ रही है आपकी? नहीं नहीं आपकी शादी हो गई है, पर लड़के लिए पूछेंगे क्या कॉन्फिडेंस? बहुत सही, बट ठीक है। सबका कॉन्फिडेंशियल कंपनी का नाम है ऐसा कुछ नहीं, वो कोई बता देंगे मुझे पता है, बट वो ठीक है मैं बाद में पता कर लूँगा। फ्री हग्स? ग्रो मैन, ग्रो अप इन लाइफ। क्या करते हैं आप? जॉब इंजीनियर हो गए, जॉब कर रहे हो गए? CA? तुम्हारा मैंने आज रोका करके जाना है, यू डिजर्व। सब इतनी रात रात भर के बंदा पड़ा है, मैं तुम्हारा करवाऊंगा ठीक है थोड़ी में। आर यू इंटरेस्टेड इन दैट? यस। से यस लाउडर, से द से इट टू द यूनिवर्स। कॉन्फिडेंशियल कंपनी चलेगी अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो, क्यों कहां जाती है जॉब कर बता नहीं सकते, एक दीवार आती है उसमें घुस जाती है वो और फिर वहीं से वापस निकलती है।
है आपकी गर्लफ्रेंड है? है नहीं है? तुम इसी गर्लफ्रेंड में इतना इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो? ऐसे आदमी की नस काटो दोस्तों की। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ये, क्या है ये? बेस्ट फ्रेंड है तो इट्स अ टाइम टू मूव ऑन ब्रदर। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है भी नहीं बना रहा है, सच में है? सच में है? फ्री हक्स के खाते इनकी ग्रेचुटी ना मिले इसका कुछ तुम्हारी उसकी क्या मजबूरी रही होगी, उसकी जिंदगी में क्या बुरा चल रहा होगा। काफी सही। इन उस लड़की का आधार कार्ड बताओ, तुम्हें सभी पता है उसके बारे में। और आप कैसे जानते हैं? तुम्हारी जगह बोल रहा है वो, कुछ तो आंसर दो, होल नेशन वॉन्ट्स टू नो। तो हुआ क्या मैम, होता क्या ना, जैसे आप कभी ऑनलाइन शॉपिंग में कुछ सर्च कर लो या कुछ ले लो तो उसके पॉपअप आते हैं। इसी मजा आ रहा तुम्हें? ये दिल्ली वालों को इसी मजा आ जाता है, तू यही करता रहे भाई। मैं सोचा कि अच्छे क्राउड के बीच परफॉर्म करो, फिर आ गए आगे दिल्ली में बैठे। मैं तरह एवरी फिफ्थ पर्सन इज अ दिल्लीआइट। भगवान बचाए आप लोगों को। तो क्या लेके आया आपको पुणे यहां पे? काफी सही। मैं फिर कभी विचार है आपका कि कभी आपके पास कभी जाएंगे आप, दिल्ली मूव करेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। काफी दृढ़। मैं जाके निकल, मैं आपको अगर बच्चा को भी गोद लेना हो, एक और है हमारे पास, फ्री हग्स देगा सीधा, पापा को एकदम चोक स्लैम देगा, रेडीमेड बच्चा, रेडीमेड पैकेज के साथ, कल से जॉब पे जा। और गर्लफ्रेंड भी है जो उसने दोस्त ने बताई है। भगवान भरा पूरा परिवार, बताओ कल मतलब पोजेशन एकदम से मिल गया आपको, समझो 3 BHK जो भी है ये आदमी। नहीं नहीं मैम, होता है तो क्यों पता क्या, जैसे मैं प्रेजेंटेशन में कंपनी ग्राफ खड़े होते हैं ऐसे, तो मैम एकदम से ना एक पॉपअप खुला है बीच में, तुम लोगों का इसी मजा आ रहा है। कितने घटिया लोग हो तुम लोग। मैं 3 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि ये कैसे निकालूंगा, इसी में मजा आ गया, अब निकल भी नहीं रहा है। जब ये लेट मी ट्राई, टेक अ डीप ब्रेथ, सांस। तुम्हें समाज के बारे में सब कुछ पता है क्या? उसकी गर्लफ्रेंड जो है नहीं, इसकी शादी होगी नहीं होगी, बताओ। आप गौर कर रहे हो, इस बंदे के अलावा सब बोल रहे हैं। उस बंदे ने मौन धारण कर लिया, मौन। प्रभु कुछ तो बोलो, प्रलय आ गई है, प्रलय आ गई है, कब जागोगे? अभी वो आदमी बोल नहीं रहा, सब बोल गए। वो बंदा निकल गया, उसके जान से दे रहा कि स्किप करें बात आगे। वो गर्लफ्रेंड का बड़ा हाँ? ये एक्सेल स्नॉट कर रहा है बैठ के, फॉर्मूला लगा लगा खुश हो रहा है। ठीक है दोस्त, तो ऐसे कपड़े ग्राफ करते तो पॉपअप खुला है, ठीक है आगे। हाँ क्या लोग ऑन पब्लिक डिमांड, मेरा कुछ नहीं, मैं घंटा ये करता रहूंगा, मैं तो खाली बैठा हूँ। तुम कल ऑफिस जाओगे, बोलेंगे भाई क्या कर गया, तुम्हारी बदनामी होनी है कल, कर भाई कल हमने 400-500 रुपए इसके दिए,
क्या बंदे के जोक नहीं पता बट बढ़िया रहा देख ला। हाँ कोलिग्स आपस में बात किससे करोगे, आपस में ऑफिस में वही हो गए ठीक है। तो कंपनी ग्राफ करते तो भाई साहब वो बीच में पॉपअप खुला है आगे बढ़ने दो यार। तो ऐसे ऐसे ग्राफ था ठीक है। क्या पसंद आता मैं आपको इनके शॉर्ट्स के अलावा, जस्ट आस्किंग अगेन लाइक इट्स जस्ट अ रीकैप। मतलब नेचर मतलब क्या, मतलब पहाड़ वाले अच्छे दिखते हैं इसका जवाब तुम क्यों दे रहे हो यार। हाँ मैम नेचर के अलावा मतलब कैसे मिले आप, बस ये लव स्टोरी बताओ थोड़ी समय तभी दिल्ली वाले यहाँ आए हैं कल यही करेंगे भाई साहब। सुमन तुम्हारी चाय घोल दूं, दूध डाल दूं, एंड सुमन लाइक ये ग्रीन टी है, इसने किया हुआ है, कह रहा शिट यार ये सबकी चाय घोल रहा है दोनों हाथों से, सब घोल रहा है भाई साहब। भगवान वाले की तरह भाई क्या किया तूने जिंदगी सच्ची तक, क्या गलत किया तूने बता किसी, आप फाड़ दो कैची से अपनी, दिखा दो इस समाज को जंगल कैसा दिखता है। वो बंदा नहीं बोला, वो बोला वहां से, थोड़ी देर बता रहा हूं भगवान ही बोलेंगे मुझे लग रहा है, तुम में से कोई नहीं बोलेगा, अलग ही चल रहे भाई साहब। हाँ 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 भाई क्या किया तुमने गलत बताओ। हाँ मतलब कभी क्या कैसे इंप्रेस किया कभी लड़की को, एक बता दे गलत एक अच्छा तरीका। बड़ा दुख, रो क्यों रहे हो, भावुक क्यों हो रहे हो। हाँ भावुक जी ना ऐसे आगरे बैठे हैं, फेविक्विक लगाइए आप, ये ऐसे बैठा ऐसे, शादियों में फोटो नहीं आती, शादियों में फोटो लड़कियों की क्या करते हैं भावुक जी, आप भावुक होने के अलावा जॉब करते हैं, काफी सही क्या आपको लग रहा है ठेले लगे हैं। हाँ कहाँ जॉब करते हो थोड़ा बताइए विस्तार से, आप उन्हीं के बैच के पार्ट हैं। हाँ बंधुआ मजदूर, वो शुरू वाले पैकेज में हो आखिरी वाले में हो, शुरू वाले में ना वो 3.5 लाख और कितने कहाँ कहाँ तक दोस्त हैं आप, ये यहाँ तक एंड तक मतलब तो अरे हाँ ये ठीक, वो बंदा तो मुझसे बात ही नहीं करनी मुझे बात, तुम चुप हो जाओ, वो जाओ देता रहेगा सब, उसके रिलेशनशिप में वही घुसा हुआ है, यहाँ भी घुसा हुआ है, इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको पाइल्स क्यों, सब पता है इसको, सब पता है इसको, सब पता है इस आदमी को। भगवान वाले कैसे बंदों को भी पसंद ही नहीं ऐसा बंदा। कभी आपको लगता है ऐसे, आपको मैं पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि फीमेल्स को ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है ऑफिस में, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है चेताना, गर्लफ्रेंड है तुम्हारी कोई नहीं है ना, इसी वजह से नहीं है, उसे बोलने नहीं दे रहे तुम, सच जवाब में तुम नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्त, बता रहा हूँ, दो तीन दिन आप चुप रहो, कृपा होगी आपकी जब इसकी हो सकती है, समझो लुक्स मैटर नहीं करते अकेले, वो तो मुझे यकीन हो रहा है, फ्री हग्स लिख के बैठा बैठा फ्री हग्स, इसे कोई टोल पे 2 रुपए ना दे अपनी तरफ से, फ्री हग्स और पेट पे नाभि पे लिखा हुआ फ्री हग्स, एक बार दिखा, एक बार दिखा दे, एक बार तो दिखा, ये बैठने पे नाभि पे आ रहा है इसके, नाभि पे भर लो भाई सब, निकल जाओगे हवा निकल जाएगी आपके आराम से। हाँ कौन भी इंशाल्लाह सारा काम, आप भी उसी में हो ना, उसने छोड़ दिया, डिजाइन लिखा है उसने भी, उसने शायद मोबाइल से भी डिजाइन लिखा है सर को, किसको भेजा है ईमेल में, भाई साहब मैम पर कैसे कंपनी वर्क करती है, मतलब लाइट जलाओ थोड़ी सी देर को जानना दो ना,
आप इसकी बेइज्जती के अलावा कर रहे हो ना सबके दिन। आप फोकस करो अपने काम पे, रोज ताने दो इतने सारे कि मोटा हो जाएगा। हाँ मैम, कैसे वर्क करता कॉन्फिडेंशियल कंपनी? अरे मजाक करो, बुरा तो नहीं मान रहे ना आप? हाँ फिर ठीक है। वो करीम भाई, व्हाई ही इज आस्किंग टू मी? हमारे में 3 वर्ड से ऊपर बोलना अलाउड नहीं है। हो सकता है आपके पीछे भी व्यापी कंपनी है ना, जानते नहीं होगी दूसरे को। सर आप भी की टीम में हो? मुकर रहे भाई, टीम टूट रही है। अभी कह रही थी यहां से, हाँ यहां से भिजवाड़ा मगरपट्टा तक हमारे ही हैं। हाँ अभी टीम टूटेंगे, रुको रुको थोड़ी देर में खुद ही नामा कर दे हमें। आई जस्ट रिजाइंड। अब किस में मतलब, क्या किस मतलब कंपनी किस तरह काम करती है वो बताएंगे, काम नहीं बताएंगे। पर घर लोगों को क्या बताया आपने? तो शक नहीं करते भाव कि कौन सी कंपनी का काम हो रहा है यार, ये अपने सगी माँ से छुपाया। मतलब किस तरह की नौकरी होती है आपकी? लाइक लैपटॉप है या अपना मतलब आप ऑफिस जाते हो फिर अपने वो पुराने कपड़े पहनते हो फिर अपना वो नया पजामा पुराना पजामा और ऐसे गमछा बांध के और क्या रहता है उस कंपनी मतलब? लेकिन किस चीज में छेना थोड़ी किस लेकिन क्या मतलब कौन सी कला हो रही है ये? मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव तो नहीं है कोई? चलो मूव ऑन टू द टॉपिक, चलो छोड़ो मजाक, सीरियस हो गया था। इनको दिल्ली वालों को सीरियस बातें समझ नहीं आती हैं। इनको भी ठुमका दिखा दो ना, वो कर दो, ये चाहिए इनको। कॉमिक अच्छा मैम क्यों लिखेगा यार, क्यों लिखे अच्छा, इन्हें ये चाहिए। इनके लिए फोर प्ले है ये। ये वो अंदर जो एक्टिव है ना हॉरर जाके पी खुश है, खुश एक्टिवा में, खुश है एक्टिवा में, एक्टिव बिल्ली मार के बिल्ली खुश है भाई साहब, डोलचे जा रही नीचे, डोलचे लटकी हुई जा रही, खुश है जीवन में यार, तो ऐसे रहना चाहिए। तुमसे मैं बात नहीं करूं, मैं ना बहंगा होगा उससे बात करता हूं ना सीधा तुम्हारी जगह। तुम्हारे शादी में कौन वो बोलेगा पक्का? तुम्हारा एक कॉन्फिडेंशियल कोलीग सही लग रहा मुझे, तुम्हारे साथ नहीं है। चलो ये दो ही रह गई, अब दो ही रह गई कंपनी में। अब मेरा काम है सिर्फ दो को तोड़ना। बाय द एंड मेरे पास है अभी थोड़ी देर है, देखो थोड़ी देर देखो, तोड़ के दिखाता हूँ मैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? नीना मीना, क्या नाम है आपका? प्रीति। ठीक है, आप कोई डेटिंग वेटिंग करो किसी को? वो कर ही नहीं पाओगे क्योंकि हाँ बट डिफिकल्ट नहीं होता, मतलब मैम डिफिकल्ट नहीं होता ऐसा? अरे डिफिकल्ट जी, सीरियसली आई एम आस्किंग, लेकिन किसी को बता नहीं सकते आप? आप रूम में रह रहे हो, हमारे यहाँ 3 लड़कियाँ रहती है, वो एक इन्फोसिस में काम करती है, एक उसमें कर, वो तीसरे नहीं वैसे पूछ रहा हूँ, मतलब वैसे ट्रस्ट इशू आ जाएगी पता आपके यार। मैं तोड़ने की कोशिश कर, वो बांध नहीं रहे, कहाँ है देखो, देख ही नहीं रहे, देखो हिल नहीं रहे भाई, वो करे चल साइड कर रहा है। ऐसा निकाल रहे हैं आंखें अपनी साइड से, वो मान नहीं रहे, कह रहे नहीं ठीक है। बट आप आपके लिए नॉर्मल रास्ता होता रोड से जाते हो, आप कैसे जाते हो फिर आप? बस पूछ रहा हूँ होता कैसे, ये जानना चाह रहा है ये बंदा। तुम्हें बता देगी, इसको बता देगी इसको, यस दोबारा मत पूछना, खुश तुम्हें तुम्हें खुशी चाहिए, अलग ही आदमी जा रहा है भाई। कॉन्फिडेंट वाले बंदे बात नहीं करेंगे ये बात, पर अगर ये मुझे टैग करेंगे कहीं पे तो लिखना पड़ेगा, लिंक्डइन पे मुझे पोस्ट करना। आप लिंक्डइन पे हैं आप लोग? ओ
वो तीन चार लोगों की कंपनी तो नहीं, सिर्फ तीन चार लोग ही बैठते हो, तू मेरा MD, मैं तेरा MD, होता है नहीं स्टार्टअप में ही होता है, तू मेरा MD, मैं तेरा MD, क्या करेंगे ना 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 तो एक को आइए समझ में, अच्छी वही थी तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉय, दो और गए, मैं अब दो बार दौड़ मारा, मैं पता तुम जिस दिन बोलोगे ना कि टूट गए, मैं उस टाइम रोक दूंगा, बस बात ये मैम आर यू स्टिल टुगेदर, काफी सही बात, फिर आप ऐसे केकली नहीं करते दूसरे के साथ केकली। अच्छा आप में से कितनों का ब्रेकअप हुआ, जस्ट लास्ट सेट कितनों का ब्रेकअप हुआ, कितनों का ब्रेकअप हुआ, पति पति पत्नी बोल दिए, भगवान भाई, गिव अ ग्रेट अप्लॉज लवली कपल, गिव अ ग्रेट अप्लॉज। मैं आपको बताऊँ क्यों बोल रहा हूँ, जल्दी ब्रेकअप क्रश ये सवाल ना बड़े आराम से पूछता हूँ, क्योंकि मैं एक बार गुड़गांव में शो कर रहा था मैम, और मैंने एकदम से बोला किसी का ब्रेकअप हुआ है, मैम एक न्यूली मैरिड कपल बैठा हुआ था, मतलब पन्नी भी नहीं उतरी थी, इतने अच्छे से सेट करके मर गया मैं, तो उस पर नहीं हंसी आई, इस पे ओ जंपिंग चेक कर रहा है आदमी इस बातों पे, जंपिंग ताले मिला ऐसे, ये बंदा टी शर्ट के अंदर से निकल गया अंदर, टी शर्ट पकड़े कन्ने पकड़े ऐसे निकल, भगवान ये देखा मैंने आज, घर जाके मम्मी बोलेगी क्या देख क्या बका, ये देख भगवान, thank you, 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 thank